तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे शख्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार कहे जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। हिंदुस्तानी आयन का मतलब होता है भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और म्यांमार का मतलब होता है शिल्पकार, रचनाकार या फिर निर्माता, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को बनाने का जिनका अहम योगदान है, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता रचनाकार कहा जाता है, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल समझने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने में, उसकी रचना करने में इनका अहम योगदान है, और इसीलिए इनके बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है, उन सभी डिटेल्स को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं, चार पांच क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सारा डिटेल्स जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की उर्दू का चैप्टर नंबर 9 है, नाम तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानना है सारा डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का जो बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इसलिए नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि आप लोगों का वीडियो का क्वालिटी जो है ना वो लो है। यहाँ पर वीडियो के कोने में 3 डॉट आता है, आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आता है। 480 पिक्सल नहीं तो 720 पिक्सल में कर देखेंगे तो एकदम साफ़ और क्लियर दिखाई देगा। जो भी मैं बोर्ड पर लिखी हूँ एकदम साफ साफ दिखाई देगा, यहाँ तक कि जो नुक्ता बिंदु वगैरह डाली हूँ ये हर एक चीज़ दिखाई देगा। और इनफैक्ट आप लोग जूम भी कर सकते हैं, यूट्यूब ने जूमिंग का भी सिस्टम दे दिया है, आप लोग जूम कर सकते हैं, बड़ा कर देख सकते हैं क्या लिखा है, या फिर वीडियो को जो है ना स्पीड बढ़ाने का घटाने का सभी तरह का ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने, फीचर्स का फ़ायदा उठाइए। वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो स्लो कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं स्लो बोल रही हूँ अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूँ अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। ये चैप्टर एक मजमून है, याद रखना है। मजमून यानी कि निबंध। किसके ऊपर लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर लिखा गया है, जो कि हमारे हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार है, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में समझते हैं। इनकी पैदाइश हुई थी एक अछूत खानदान, आप बोल सकते हैं एक अछूत मराठी बोलने वाले खानदान में, 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में। याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना ये अछूत खानदान से बिलोंग करते थे, और यही वजह था कि एक अछूत जात के लिए एक मसीहा बनकर तैयार हुए, ठीक है ना। अछूत खानदान में इनकी पैदाइश हुई थी, और इसीलिए अछूतों के दुख और दर्द को समझते थे। पहले के ज़माने में, बहुत साल पहले की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इनका जन्म हुआ था उस वक्त तो अछूत को लेकर और भी ज़्यादा ये मसला सामने आ गया था कि अछूतों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। मतलब अछूतों को छूना तो दूर, उनको देखना भी जो है ना एक तरह से देखना भी मना था। जो ऊँचे जाति के लोग हैं, नीचे जाति यानी कि अछूत जाति के लोगों को एकदम घटिया समझते थे, बेकार समझते थे। चप्पल सिलने का काम, नाला वगैरह साफ करने का काम, सड़क पर झाड़ू लगाने का काम, यही सब काम जो है ना अछूतों को दिया जाता था। मतलब अछूत जात के लोगों को एकदम नीचा घटिया जाति का समझा जाता था। बड़े बड़े जो खानदान के लोग हैं ना अपने घर में घुसने नहीं देते थे, यहाँ तक कि मंदिर में भी जाना अलाउ नहीं था अछूतों को, इतना भेदभाव किया जाता था अछूतों के साथ, ठीक है ना। तो इसी अछूत खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई, जो कि अछूतों के लिए एक मसीहा बनकर तैयार हुए, मसीहा बनकर ही आए थे। और ये जितना भी भेदभाव होता था, ऊँचे जाति के लोग अछूतों से जिस तरह भेदभाव करते थे, अपने घर में नहीं घुसने देते थे, स्कूल में पढ़ाने लिखाने का हक नहीं था अछूतों का, यहाँ तक कि मंदिर जाने का भी हक नहीं था, तो ये जितना भी भेदभाव होता था इसको ख़त्म किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैसे कैसे यही आप लोगों को जानना है और इनके बारे में सारा डिटेल समझना है। तो इनकी पैदाइश अछूत खानदान मराठी बोलने वाले खानदान में हुई थी, अछूत खानदान जो कि मराठी बोलने वाले थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था इस बार तो नहीं, पिछला बार 2021 में, आप बोल सकते हैं 2021 के 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि हिंदुस्तानी आयन बोल रही हूँ मैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खानदान कौन सी जुबान बोलता है था, मतलब कौन सी जुबान बोलने वाले खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई, और ऑप्शन में दिया था मराठी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना डीपली जाकर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर मैं आप लोग को नोक कर देती हूँ और आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक अछूत मराठी बोलने वाले खानदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी, कब? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है, महू सेंट्रल इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। इनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सकपाल, और वालिदा यानी कि माँ का नाम है भीमबाई, और इनको बचपन में लोग प्यार से भीमा पुकारते थे, भीमा कहकर। देखिए, ये अपने वालिद और वालिदा यानी कि माता पिता के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। सोचिए, इनके माता पिता के 14 औलाद थे और 14 औलादों में से सबसे छोटे यही थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इनको प्यार मिला। सबसे छोटे वाले बेटे को या फिर बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, ठीक है ना। तो वो ये भी, ये सबसे छोटे थे, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और प्यार से इन्हें लोग क्या कहकर पुकारते थे, तो भीमा कहकर पुकारते थे। लेकिन ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए भीमराव अम्बेडकर के नाम से, मतलब पढ़ाई लिखाई भीमराव अम्बेडकर के नाम से किए, लेकिन प्यार से लोग भीमा इनको कहकर पुकारते थे बचपन में, ठीक है। अपने दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार के फ़ौज में मुलाजिम थे। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है भीमराव अंबेडकर के दादाजी की। उनके दादाजी का नाम क्या है? मालोजी, याद रखना है। भीमराव अंबेडकर के दादाजी का नाम है मालोजी। तो दादा उनके जो थे ना, मालोजी उनके बेटे थे, भीमराव अंबेडकर के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल, है ना। देखिए, भीमराव अंबेडकर के दादा हो गए मालोजी, और मालोजी के बेटे हुए रामजी मालोजी सकपाल, और उनके बेटे ना है भीमराव अंबेडकर। तो हुआ ये था कि भीमराव अंबेडकर के दादाजी जो है मालोजी, वो बरतानवी सरकार के फ़ौज में मुलाजिम थे, यानी कि बरतानवी सरकार के फ़ौज में ये नौकरी करते थे, जिसके वजह से उस वक्त का रूल था कि जो भी फ़ौज में नौकरी कर रहा है ना, उसके ख़ानदान के लिए एक अलग स्कूल बनाया गया था जहाँ पर फ्री में पढ़ाई होता था। इसीलिए जो भीमराव अम्बेडकर के दादाजी है मालोजी, वो सरकारी बरतानवी सरकार के फ़ौज में मुलाजिम थे, नौकरी करते थे, और इसीलिए इनके ख़ानदान को यानी कि मालोजी के बेटे रामजी मालोजी सकपाल को फ्री में शिक्षा मिली, यानी कि उस स्कूल में फ्री में ये पढ़ाई कर लिए रामजी मालोजी सकपाल, और उसी फ़ौज में, उसी बरतानवी सरकार के फ़ौज में ये भी नौकरी करने लगे। यानी कि मालोजी के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल, यानी कि अम्बेडकर मालोजी के पिताजी, मैं बोल रही हूँ, मालोजी के जो बेटा है रामजी मालोजी सकपाल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी, उनको फ्री में शिक्षा मिली। क्यों? क्योंकि रामजी मालोजी के, मालोजी सकपाल के जो पिता है मालोजी, वो बरतानवी सरकार में क्या कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे फ़ौज में, बरतानवी सरकार के फ़ौज में नौकरी कर रहे थे। इसी वजह से उनको फ्री में शिक्षा मिली, फ्री में पढ़ाई लिखाई कर लिए, जो कि अलग स्कूल बनाया गया था। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद रामजी मालोजी सकपाल उसी बरतानवी सरकार के फ़ौज में वो भी नौकरी करने लगे, और 14 बरस तक रामजी मालोजी सकपाल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी उस स्कूल में हेडमास्टर रहे थे, ठीक है ना, उस फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे थे। और सबकदोषी के वक्त उनका औहदा सूबेदार मेजर का था, याद रखना है। 14 साल तक रामजी मालोजी सकपाल उस फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे, और सबकदोषी के वक्त यानी कि रिटायर जब ये होने वाले थे, उस वक्त इनका औहदा यानी कि पोस्ट सूबेदार मेजर का था, यानी कि उस वक्त वो सूबेदार मेजर के पोस्ट पर काम कर रहे थे, ठीक है। और जब ये सबकदोष हुए यानी कि रिटायर हुए रामजी मालोजी सकपाल, तो 2 बरस की उम्र थी किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यानी कि रामजी मालोजी सकपाल जब रिटायर हुए इस स्कूल से, उस वक्त इनके बेटे यानी कि भीमराव अंबेडकर की उम्र कितनी थी? 2 साल 2 बरस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खानदान महू सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मुकाम पर जा बसा, क्योंकि रामजी मालोजी सकपाल जो है ना, वो सुबकदोष हो गए थे, रिटायर हो गए थे उस स्कूल से जो कि सूबेदार मेजर पर काम कर रहे थे, इस पोस्ट पर काम कर रहे थे ना, तो क्योंकि यहाँ से रिटायर हो गए थे, इसीलिए वो महू सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मुकाम, दापोली नाम के जगह पर जा बसे, ठीक है। कोंकण इलाके में ये चले गए, और फिर वहीं पर 5 साल की उम्र में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दाखिला हुआ एक स्कूल में, एक स्कूल में पहली बार कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में इनका एडमिशन हुआ, ठीक है। लेकिन जल्द ही रामजी मालोजी सकपाल को सितारा में नौकरी मिल गई। तुरंत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो वालिद है पिताजी रामजी मालोजी सकपाल, उनको सितारा में नौकरी मिल गई। कहाँ नौकरी मिल गई? तो सितारा में नौकरी मिल गई। जब सितारा में नौकरी मिल गई तो उनका खानदान सितारा ही चला गया, अपने पूरे खानदान को लेकर सितारा चले गए, जहाँ छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एडमिशन हुआ छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में,
ठीक है, और यहीं से अपने नाम के आगे ये अंबेडकर लगाना शुरू कर दिए। और छावनी नाम, छावनी के एक गवर्नमेंट स्कूल में जब इनका एडमिशन हो गया तो उसी स्कूल से, उसी गवर्नमेंट स्कूल से ये अपने नाम के आगे क्या लगाना शुरू कर दिए, तो अंबेडकर लगाना शुरू कर दिए। हालांकि इनको सरनेम मिला था अंबा वाडेकर, क्योंकि इनके जो दादाजी थे ना मालो जी, वो अंबा वाडेकर के रहने वाले थे, तो इनको सरनेम मिला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि आप अंबा वाडेकर लगाइए, लेकिन अंबा वाडेकर बोलने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए अंबा वाडेकर की जगह ये अंबेडकर लगा दिए, ठीक है ना। और अंबेडकर से ही पूरी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल किए। भीमराव अंबेडकर अभी 6 साल के थे तभी उनकी माँ भीमबाई का इंतकाल हो गया, और इसी वजह से राम जी की बहन यानी कि राम जी मालोजी सकपाल, भीमराव अंबेडकर के पिताजी की बहन जो है ना, खानदान की देखभाल शुरू कर दी। भीमराव को अब कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था। कौन सी कड़वी सच्चाई? कि अछूतों के साथ मतभेद किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, इस चीज़ का एहसास इनको होने लगा था। अब आगे देखिए क्या हुआ, मैं आप लोगों को फिर से बोर्ड मिटाकर और लिख कर बताती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, और भी जितना भी डिटेल्स दिया गया है। अब फिर से मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ लंबा चौड़ा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं दे रही हूँ कहने का समय। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं भीमराव अंबेडकर, जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि उनको धीरे धीरे कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था। कैसे? जब वो स्कूल जाने लगे, राम जी की सितारा वाली नौकरी खत्म होने पर फिर उनका खानदान बम्बई आ गया। देखिए इनका खानदान ना अलग अलग जगह पर शिफ्ट हुआ है, कोंकण इलाके में, तो सितारा में, तो फिर बम्बई में, ठीक है ना। तो हुआ ये कि सितारा में नौकरी मिल गई थी राम जी मालोजी सतपाल यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी को, लेकिन सितारा वाली जब नौकरी ख़त्म हो गई तो वहाँ से अब फिर से उस जगह को छोड़ दी, यानी कि सितारा को छोड़ दी और बम्बई आकर बस गए ये लोग। सितारा वाली नौकरी खत्म होने के बाद उनका खानदान कहाँ चला आया? तो बम्बई आ गया, और वहीं पर बम्बई में ही एल्फिस्टन हाई स्कूल में भीमराव अम्बेडकर का दाखिला हुआ, यानी कि एडमिशन हुआ। और ये जो एल्फिस्टन हाई स्कूल था, इनके लिए इस स्कूल का माहौल भीमराव अम्बेडकर के लिए नामुआफिक था, मतलब कि यहाँ पर भेदभाव किया जाता था। इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे वो जानते थे कि भीमराव अम्बेडकर जो है ना वो अछूत खानदान से बिलोंग करते हैं, अछूत जात से, और इसीलिए इनके साथ भेदभाव किया जाता था। और स्टूडेंट तो स्टूडेंट, जो उस्ताद है यानी कि टीचर, वो भी भेदभाव किया करते थे इनसे। तो ये चुपचाप ये बेइज्जती बर्दाश्त करते थे, स्टूडेंट टीचर मतलब बेइज्जती करने में लगे रहते थे, नीची भरी हकारत भरी नज़रों से इनको देखा जाता था स्कूल में, लेकिन फिर भी ये सारा बेइज्जती बर्दाश्त किए और इसका करारा जवाब दिए 1908 में मैट्रिक का इम्तहान पास करके। मतलब जब 1908 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिए ना, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि अछूत जात का कोई लड़का मैट्रिक का इम्तहान पास किया है। मतलब मैट्रिक का इम्तहान पास करना मुश्किल था उस वक्त, लेकिन ये 1908 में मैट्रिक का इम्तहान यानी कि एग्ज़ाम पास कर लिए, और चारों तरफ शोर मच गया, एकदम डंका बज गया चारों तरफ, बहुत ज़्यादा, सभी अछूत जात के लोग, सभी लोग खुश थे, जलसा पार्टी वगैरह हुआ, और उसके बाद से मिठाइयाँ बांटा गया। सोचिए कोई एग्ज़ाम में पास होता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मिठाई बंटवाने में भी खुशी होती है। तो आप लोग भी अभी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी एकदम दबा कर मेहनत कीजिए। अभी आपके साथ जो भी भेदभाव हो रहा हो, आपको कोई कुछ बोल देता हो, आपको डांट देता हो, या फिर आपकी शिकायत करता हो, आपकी ज़िंदगी में जितना भी परेशानी आ रही है अभी बर्दाश्त कर लीजिए, और इसका करारा जवाब मैट्रिक का इम्तहान पास करके दीजिए। इतना मतलब खामोशी से मेहनत कीजिए ना कि कामयाबी शोर मचा दे। वही बात यहाँ पर भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खामोशी से मेहनत किए और उनकी कामयाबी ने शोर मचा दिया चारों तरफ। अछूत जात में पहली बार हुआ था कि कोई लड़का मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, और चारों तरफ डंका बज गया था, शोर मच गया था, और मिठाई एकदम खुलकर बांटा गया, और उसके बाद से इनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला आगे पढ़ाई करने, ठीक है ना। तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिए, और 1912 में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की, मतलब बीए भी कर लिए। उसके बाद अमेरिका चले गए, अमेरिका पढ़ाई करने के लिए चले गए, और वहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिए, एम की एडमिशन ले लिए, और मुआशियात में एमए कर लिए, यानी कि इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए कर लिया। उसके बाद 1916 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। बहुत सारी डिग्री लिए थे, बीए की डिग्री, उसके बाद से अमेरिका जाकर दाखिला लेकर मुआशियात में एमए की डिग्री यानी कि इकोनॉमिक में एमए की डिग्री हासिल कर लिए थे। उसके बाद से 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, और उसी साल वो फिर इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया, और साथ ही इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे।
देखिए एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन हुआ क्या कि 1917 में उनकी तालीम रुक गई, उनकी पढ़ाई रुक गई। कोई खास वजह होगा, और ज़्यादातर पैसे की कमी थी, मतलब पैसों की किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई रुक गई और फिर वह हिंदुस्तान वापस आ गए। इनकी पढ़ाई रुक गई पैसों की वजह से, अब पढ़ाई करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो फिर ये हिंदुस्तान वापस आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिडी होम कॉलेज में 1918 से लेकर 1920 तक मुलाजमत किए। हिंदुस्तान वापस आए और वापस आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, याद रखिएगा, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिडी होम कॉलेज में 1918 से लेकर 1920 तक, यानी कि 2 साल तक मुलाजमत, यानी कि नौकरी किए, और जो भी इनको तनख्वाह मिला उसको बचा कर रखे, और उसके बाद से फिर 1920 में वो इंग्लैंड चले गए। मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे भारत में। भारत में आए प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिडी होम कॉलेज में 1918 से लेकर 20 तक क्या किया, नौकरी की, और जो भी पैसा मिला इनको, तनख्वाह मिला, उसको इकट्ठा करके फिर चले गए 1920 में इंग्लैंड, और अपनी अधूरी तालीम पूरी की, यानी कि अपनी जो अधूरा तालीम जो था, पढ़ाई लिखाई अधूरा छोड़कर आए थे, उसको मुकम्मल किए, पूरा किए, और 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल किए। 1921 में एमएससी किए और 1923 में डीएससी की डिग्री इनको मिल गई, और उसके बाद से इन्होंने बैरिस्ट्री भी पास कर ली। ठीक है, बैरिस्ट्री भी पास कर लिए, मतलब कि इनका फाइनली पढ़ाई पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया, जो भी ये बनना चाहते थे बन गए, इनका जो लक्ष्य था वो मिल गया, मतलब ये अपने लक्ष्य को अचीव कर लिए, जो भी इनको बनना था, जितना भी पढ़ाई करना था, ये पढ़ाई मुकम्मल करके अब हीरो की तरह हिंदुस्तान में आए, हमारे भारत देश में आए, और भारत देश में ये जो भेदभाव होता था अछूतों के साथ, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, और अछूतों को ना तहरीक चलाई भी, और तहरीक चलाने की वजह से कुछ लोग इनसे नाराज़ भी हो गए थे। ठीक है, जो बड़े बड़े जाति के लोग हैं इनसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि अछूतों के लिए ये लड़ रहे थे इसी वजह से, लेकिन भीमराव अंबेडकर पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े लोग नाराज हो रहे तो नाराज हो, मतलब इनको तो सच के साथ जाना था ना, तो इन्होंने सच का साथ दिया, तहरीक चलाई, भेदभाव जो किया जाता था अछूतों के साथ उसके खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई, और अछूतों को 3 बातें बताए, 3 राय दिए, याद रखिएगा। पहली जो राय दिए, पहली बात जो ये अछूत लोगों को बताए, अछूत जाति के लोगों को, वो ये बताए कि देखिए आप लोग जो है ना अपना आम अखलाकी बर्ताव बदलिए, आप अपना आम इखलाकी बर्ताव चेंज कीजिए, जो बड़े लोगों के प्रति आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको बदलिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए। और उसके बाद से दूसरी जो बात बताई भीमराव अम्बेडकर अछूत जात के लोगों को, ये थी कि आप अपना तलफ़ुज चेंज कीजिए, जो आपका बोलने का जो तरीका है ना उसको बदलिए, आप लोग ऐसे बोलते भी हैं कि लगता है कि आप लोग नीची जाति के हैं, आप लोग अपना तलफ़ुज सुधारिए, सोच समझ कर बोलिए, तलफ़ुज लफ्ज़ अच्छा होना चाहिए, जिस तरह बड़े लोग बात करते हैं ऊँची जाति के लोग, उस तरह मतलब कुछ खास तो आप लोगों के तलफ़ुज़ में बदलाव आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी जो आखिरी राय थी, आखिरी बात जो अछूत जात के लोगों को भीमराव अम्बेडकर ने बताई, वो ये थी कि आप लोग अपने ख्यालात को बदलिए, सोच और विचार को बदलिए, जिस तरह बड़े लोग ख्यालात रखते हैं, सोचते हैं, उस तरह आप लोग भी सोचिए, अपना ख्यालात बड़ा कीजिए। देखिए मतलब अपने ख्यालात को बदलिए, सोचने और विचारने का जो तरीका है उसको बदलिए, बड़े लोगों की तरफ सोचिए, और बड़े लोगों की तरफ व्यवहार रखिए, बड़े लोगों की तरफ जो है ना बोलने की कोशिश कीजिए। तो ये 3 राय दिए थे अछूतों को, और अछूत जाति के खिलाफ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ तहरीक भी चलाई, और उसमें ये सफल भी रहे, मतलब भेदभाव खत्म करने में ये सफल रहे, सभी को समान अधिकार मिला, और अछूतों को भी समान अधिकार मिलने लगा, मतलब कि ये अपने तहरीक में सफल रहे, जो ये ठान लिए थे कि हाँ हम भेदभाव को खत्म कर देंगे, तो ये भेदभाव को खत्म करने में सफल रहे, अब अछूत जात के लोगों को भी समाज में समान अधिकार मिलने लगा। ठीक है ना, इस तरह बात थी, और फिर आगे जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बुद्ध मधर्म को अपना लिए, हालांकि इनकी पैदाइश हुई थी अछूत खानदान में ही, लेकिन आगे जाकर ये अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, बुद्ध मधर्म को अपना लिए। ठीक है, इनके बारे में कुछ और डिटेल्स जान लीजिए, 14 बरस की, लेकिन ये जो भेदभाव खत्म करने का काम था ना, ये इतना आसान नहीं था, इतना जितना आसानी से मैं बता दी, इतना आसानी से तो होता है, मतलब इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, बहुत समय लगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको पॉसिबल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 बरस की उम्र में और 5वीं दर्जा की तालिब इल्मी के ज़माने में उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी। देखिए डॉक्टर भीमराव जब 14 साल के थे और 5वीं क्लास में पढ़ते थे, मतलब ये स्टूडेंट लाइफ इनका था, तभी तालिब इल्मी के ज़माने में ही, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में ही इनकी शादी कर दी गई थी 9 बरस की लड़की, जिसका नाम था रामाबाई से। लेकिन रामाबाई का जो है ना कुछ साल के बाद इंतकाल हो गया, और इंतकाल हो जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऊँची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी कर ली, ऊँची जात जो पढ़ी लिखी थी तालीम याफ्ता खातून, तालीम याफ्ता लड़की से इन्होंने
शादी कर ली। और 5 सितंबर 1956 ईस्वी की रात में वह सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही उनकी वफात हो गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 5 सितंबर 1956 को गए थे रात को बिस्तर पर सोने के लिए, और बिस्तर पर सोए तो सोए ही रह गए, इसका मतलब इनका इंतकाल हो गया। तो ये हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दिया गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मजमून था जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर लिखा गया था। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 10 है, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और साथ में कुछ दिनों से आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा रही थी, कॉन्टेंट नहीं पढ़ा रहे, मतलब जो आप लोग का बुक में चैप्टर नंबर 8 तक ही पढ़ाकर मैं आप लोग को स्टॉप कर देती, उर्दू कवायद पढ़ा रही थी। तो उर्दू ग्रामर एकदम स्टार्टिंग से जो भी 10th और 12th क्लास के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो मैं पढ़ा रही थी। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े उर्दू कवायद तो ज़रूर पढ़िएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है उर्दू ग्रामर 2024 एग्जाम के नाम से। तो आप लोग उर्दू कवायद के सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा क्योंकि उर्दू कवायद आप लोग के एग्जाम में 33% पूछा जाता है। ठीक है ना, तो उर्दू कवायद के लगभग टॉपिक को मैं कवर करा चुकी, पढ़ा चुकी, और इसीलिए इतना दिनों से आप लोगों का चैप्टर आगे नहीं बढ़ रहा था, मतलब चैप्टर नंबर 8 तक ही स्टॉप करके रखी थी और उर्दू कवायद पढ़ा रही थी। ठीक है, तो फिलहाल अब तो आप लोगों को लगातार चैप्टर मिलेगा, हर चैप्टर का वीडियो, चैप्टर नंबर 9 आज के वीडियो में कंप्लीट हुआ, इसके अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा। जो कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे। देखिए जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ समझ में आता है तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, सभी लोगों का भला हो। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।